हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत पे अकाउंट में आप अपना बैंक अकाउंट कैसे चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सीधा भारत पे एप्लीकेशन को ओपन करके। तो यहाँ पर मैंने भारत पे का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो ये अपना फ्रंट पेज आ जाता है। यहाँ पे नीचे हमें सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस सेटलमेंट को हमें ओपन कर लेना है। जैसे ये अपना सेटलमेंट ओपन करते हैं, ऊपर की तरफ अपना बैंक अकाउंट हमने जो ऐड कर रखा है वो आपको दिख जाएगा और उसके बगल में एक सेटिंग भी दिख जाएगा। तो इस सेटिंग को हमें ओपन करना है। तो यहाँ पर ये सेटलमेंट वाला सेटिंग ओपन हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पर ऐड कर रखा है। फिर इस पे अपना एक और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस सेटिंग को हमें ऑन करना है। इस सेटिंग पे हमें जाना है। क्लिक करने के बाद अपना एक लिंक ओपन होता है। यहाँ पे लिंक को हमें गूगल क्रोम से ओपन करना है। तो गूगल क्रोम से ओपन करने के बाद इस लिंक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये लिंक आखिर किस वेबसाइट का है। यहाँ पर देख सकते हो भारत पे का खुद का अपना वेबसाइट है, तो कोई गलत हो नहीं सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो अपना फॉर्म ओपन होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट और जो अपना सिटी है, इतना सब डालने के बाद ये जो आपका सिंपल प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाता है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, ओल्ड अकाउंट कैंसिल चेक पिक्चर अपलोड करना है। तो जो आपने ओल्ड अकाउंट ऐड कर रखा है उसका कैंसिल चेक का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन अगर आपने पेमेंट बैंक ऐड कर रखा है, जैसे मैंने ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे उसका चेकबुक नहीं होगा। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करना और उसका जो अकाउंट नंबर प्रोफाइल जहाँ से दिखता है, जहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका नाम दिख जाए, उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट हमारा। यहाँ पे ओल्ड अकाउंट में जो आपने आईडी प्रूफ दिया था बनाने वक्त, जो भारत पे का अकाउंट बनाने वक्त आईडी प्रूफ दिया था, यहाँ पे उसको देना है फिर से। तो यहाँ पे जैसे मैंने आधार कार्ड दिया था या पैन कार्ड दिया था आपने, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फिर उस जो आपने आईडी दिया था उसका फ़ोटो यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना ऑप्शन आ जाता है कि जो अभी अपना अकाउंट में एप्लीकेशन में आपने ऐड कर रखा है अकाउंट नंबर, उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे डालना है। तो कौन सा है पेज, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि आपने कौन सा अकाउंट ऐड कर रखा है। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपने ब्रांच एयरटेल पेमेंट बैंक ऐड कर रखा है और अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है लास्ट का, और IFSC कोड भी यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो दोस्तों, फिर आपका न्यू अकाउंट का कैंसिल चेक चाहिए। तो अगर आप न्यू अकाउंट भी आपका पेमेंट बैंक ही है और उसका चेक नहीं है आपके पास या फिर कोई है, तो फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट, जो भी अगर ब्रांच का अकाउंट है, तो उसका पासबुक का फ्रंट पेज को ओपन, फ्रंट पेज को क्लिक करके फ़ोटो और उसको यहाँ पर जिसमें आपका नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर दिखे, उसका फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। और अगर पेमेंट बैंक यूज करते हैं फिर से, जैसे कि एयरटेल से मैं पेटीएम में करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पेटीएम का वो प्रोफाइल वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड साफ साफ दिख जाए। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है कि अगर कोई प्रूफ चाहिए फिर से, तो प्रूफ में आपके पास चार ऑप्शन फिर से आ जाते हैं। आप यहां से फिर से वही प्रूफ डाल सकते हैं, जिसमें यहां पे आपको प्रूफ का सिलेक्ट करना है कौन सा आप प्रूफ सिलेक्ट करते हैं। फिर उसका यहां पे उसका फ़ोटो डाल देना है, जैसे आधार कार्ड मैंने सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड का यहां पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमसे पूछा जाएगा रीजन, बताइए आप क्यों चेंज कर रहे हैं। तो रीज़न आप अपना यहाँ पर मेंशन कर देना, जो भी आपका रीज़न हो क्यों आप अकाउंट नंबर चेंज कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट अपना चेक बॉक्स को, यहाँ पे चेक बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है और सबमिट कर देना है फॉर्म को। फॉर्म को सबमिट करने के बाद दोस्तों अपना जो भारत पे का बैंक अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए हो सकता है एक दो दिन टाइम लगे, आपको अपडेट कर दिया जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।